तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो सबसे पहले तो टिश्यू की डेफिनेशन, यू वेल नोन दैट द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। और कैटेगरी यदि हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस, ये चार प्रकार के टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम यदि एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, तो ये हमारी बॉडी कवरिंग का काम करता है, पूरी सरफेस यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से कवर करने वाला जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। इसको हमने चार भागों में बांटा है। एक सिंपल एपिथेलियल है जो कि एक साधारण लेयर से बना होता है, ये वाला। इसके बाद यदि सेल उसकी क्यूबॉइडल शेप्ड है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल कहलाएगा, और ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। और यदि हमारे एपिथेलियल टिश्यू की सेल कॉलम शेप्ड हैं, बड़े बड़े पिलर शेप्ड हैं, तो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहलाएगा। और ये वहाँ पाया जाता है जहाँ सीक्रेशन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर ये पाया जाता है। साथ साथ इसमें कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड सीलिया। सो दिस टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज द सिंपल कॉलमनर सिलेटेड एपिथीलियम विच इज प्रेजेंट इन अवर ट्रेकियल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दो सिस्टम विच आर रिलेटेड विथ एक्सक्रीटरी। और इसके बाद जो चौथा है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि परतें धीरे धीरे झड़ती जाती हैं, जैसे आपके सिर में कभी कभी रूसी हुई होगी डेंड्रफ, तो वो डेंड्रफ जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम का एक उदाहरण है। फिर ये आपका ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, इसमें जो हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियां हैं जिनको स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड जो आँखों में आंसू लाने का काम करती है, सेबेसियस ग्लैंड है जो स्किन में ऑयली सबस्टेंस का सिक्रेशन करती है, तो ये एपिथीलियल टिश्यू आपका ग्लैंडुलर है, सूडो स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं इसको। इसके बाद है ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो कि बार बार चेंज होता जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हुआ। दूसरा जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कनेक्शन करता है। दिस टिश्यू कनेक्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और टिश्यू और बॉडी ऑर्गन्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें छोटे छोटे बहुत से सेल धसे हुए अवस्था में रहते हैं। ये टिश्यू प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने का काम करता है, चाहे वो बोन हो, मसल्स हों या हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम, ये सब कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। दो प्रकार के रीजन रहते हैं इसके मैट्रिक्स में, एक ग्राउंड है और एक फाइबर है। ग्राउंड वाला जो सब्सटेंस रहते हैं लिक्विड रहते हैं, इनको हम सॉल, जेल, गम या सॉलिड भी कह सकते हैं। फाइबर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिन फाइबर और नॉन इलास्टिन फाइबर। नॉन इलास्टिन फाइबर की बात करें तो ये रेड और वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ मसल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, हाथ और पैर की मसल्स, तो वहाँ पर रेड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, और बाकी शरीर की जो अन्य मसल्स हैं वहाँ पर वाइट टिश्यू पाया जाता है। वाइट टिश्यू जनरली एनर्जी देने का काम नहीं करता, रेड करता है, क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन नाम का एक रेड कलर का प्रोटीन पाया जाता है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है आपका जिसको लिगामेंट कहते हैं, विच कनेक्ट बोन टू बोन, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम टेंडन, विच कनेक्ट बोन टू अनदर मसल्स। तो बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन और दो बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, ये ध्यान रखिए आप लोग। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप की जहाँ तक बात करें तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, थोड़ा इसकी सेल दूर दूर स्थित रहती हैं इसलिए इसको लूज बोला गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द सेल आर अरेंज इन कॉम्पैक्ट पोजिशन। थर्ड है एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट सेल्स स्टोर्ड रहती हैं और ये एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं। कार्टिलेज हमारे शरीर में नाक, कान और ट्रैकिया, ये जो हमारे शरीर में ये जो सिस्टम पाया जाता है, छोटी छोटी मुलायम टाइप की जो हड्डियाँ हैं उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। कान का पिन्ना, नाक की जो नोक है अपर पार्ट ऑफ नोज, और ट्रैकियल गले में जो पाया जाता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में छोटे छोटे जो वर्टिब्रे हैं उनको सपोर्ट देने का काम ये कार्टिलेज करते हैं। बोन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शरीर को एक फ्रेमवर्क देने का काम करती हैं, बहुत सारी मसल्स और बॉडी पार्ट्स बोन के द्वारा जुड़े रहते हैं, बोन उनको सुरक्षा देने का
काम करती हैं। और सबसे फेवरेट आपका कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, विच कैरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और ब्लड में भी आप देखेंगे तो उसमें भी लिक्विड पार्ट है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो कुछ सॉलिड पार्ट्स हैं उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जिनको यदि वो रेड कलर हैं तो RBC कहते हैं, वाइट कलर की हैं तो WBC कहते हैं, और कुछ प्लेटलेट्स भी हैं जो कि ब्लड में क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जब हम सबसे पहले लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें पूरे शरीर के अंगों के चारों ओर ये कुशन देने का काम करते हैं। आप दौड़ते भागते समय शरीर के अंग को चोट ना लगे किसी प्रकार की, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसकी रक्षा करते हैं। दूसरे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके न्यूक्लियाई और फाइबर एक पैरेलल यानी समांतर रेखा में ये व्यवस्थित रहते हैं, पूरे फाइबर इस तरह से, और बीच बीच में ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं। टेंडन और लिगामेंट, ये दोनों इसके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। टेंडन मैंने बताया, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करता है, ये मसल्स और बोन को जोड़ देता है। और दूसरा जो आप देखेंगे ये लिगामेंट है, लिगामेंट कनेक्ट टू बोन। उसके बाद फाइबर जो है वो जनरली कैसे रहते हैं, नॉन इलास्टिक फाइबर रहते हैं, इनको खींचा नहीं जा सकता। इसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्टोरेज का काम करता है, इसमें फैट या लिपिड स्टोर रहते हैं, सेल इसके न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडिपोज के बाद आता है कार्टिलेज, दो प्रकार का है, हाइलिन कार्टिलेज, ये शरीर की हड्डियों के सिरों पर पाए जाते हैं, वो जहाँ ग्रोथ करती है, शरीर की आकार में वृद्धि करती है, उसको हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। और इलास्टिन कार्टिलेज जो हमारे नाक में और कान में और गले में है, इसको हम इलास्टिन कार्टिलेज कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। हाइलिन कार्टिलेज का आप डायग्राम देख लीजिए, माइक्रोस्कोप में इस तरह से आपको स्लाइड दिखाई देगी। इलास्टिक कार्टिलेज गोल आकार की दिखाई देती हैं ये सेल। बोन की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू है, मैट्रिक्स जो बहुत सॉलिड होता है, जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसमें ब्लड सप्लाई के लिए हैबर्सियन कैनाल पाई जाती है। इस हैबर्सियन कैनाल में एक तो न्यूरॉन रहते हैं, दूसरे इसके अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बोन को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ वेंस भी रहते हैं जो कि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वापस शरीर से आती हैं। इसके बाद वास्कुलर टिश्यू है ब्लड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में बार बार आता है, ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसके अंदर 90% वाटर है, 10% में प्लाज्मा है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज हैं। और इसके जो एलिमेंट हैं मैंने बताया रेड कलर के हैं, उनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रो दैट मीन्स रेड, साइट्स मतलब सेल, तो रेड कलर के सेल्स एरिथ्रोसाइट्स कहलाएं। जनरली इनका हमारे शरीर में यदि देखें तो मेल के अंदर ये 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और फीमेल में जो 11 से 13 रहना चाहिए, लेकिन ये जनरली पाया नहीं जाता, तो उस स्थिति को हम एनेमिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो RBC क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि मैमल्स की जो RBC हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सब में न्यूक्लियस होता है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट कलर के सेल्स रहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड WBC, ल्यूको दैट मीन्स कलरलेस, साइट मतलब सेल, तो ब्लड के अंदर WBC जो है वो ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसमें एरिथ्रोसाइट आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के हैं, ल्यूकोसाइट दिखाई दे रहे हैं आपको वाइट कलर के। ठीक है, टिश्यू विद सेल हैविंग फाइबर स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू, ये मसल्स टिश्यू हैं। मसल्स टिश्यू तीन प्रकार के हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, हाथ पैर की जो मसल्स रहती हैं, स्टेटेड भी कहते हैं इनको और वॉलेंट्री भी कहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहती हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होती हैं और पूरी लंबाई में ये फैली रहती हैं। इसके बाद स्मूथ मसल्स हैं, विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, चूँकि विसरल ऑर्गन का मतलब होता है शरीर के अंदर पाए जाने वाले इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब विसरल ऑर्गन कहलाते हैं, ये हमारे ब्रेन की
कंट्रोल में नहीं रहते, अपना काम स्वयं करते हैं, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री भी कहा जाता है। इनके सेल लंबे लंबे होते हैं और टैप्ड होते हैं। और तीसरे जो हैं वो कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स में इंट्राकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, मायोजेनिक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। देखने में तो ये स्केलेटल मसल्स के जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये हमारे ब्रेन के अंडर काम करते हों, लेकिन ये ब्रेन के अंडर काम नहीं करते, इसलिए इनका फंक्शन कैसा है, स्मूथ मसल्स जैसा। तो फंक्शनली दे आर विथ स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रक्चरली दे आर लुक लाइक स्केलेटल मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स। सो दे आर कैटेगराइज इन ए डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिशू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप आकार देख लीजिए, कार्डियक मसल्स हार्ट में पाए जाते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स आपके हाथ और पैर में पाए जाते हैं, और स्मूथ मसल्स आपके इंटेस्टाइन में या एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ये स्केलेटल मसल्स डायग्राम इस तरह का आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, और स्मूथ मसल्स का डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा, और कार्डियक मसल्स का डायग्राम इस तरह से, ये ब्रांच्ड डायग्राम आपको दिखाई देगा। नर्वस टिश्यू की जहाँ तक बात करें तो इसके सेल जो हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के लिए, क्योंकि सेल को काम करना होता है, न्यूरॉन सेल को मैसेज को जो सेंसेस रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन है, वहाँ से ब्रेन तक ले जाने का, और ब्रेन से ऑर्डर को सेंसरी ऑर्गन तक ले जाने का। ये पूरा का पूरा आपका चार्ट है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, लिखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।